गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल सुबह के 6 बज रहे हैं और आज का प्लान है चंडीगढ़ से शिमला जाने का। तैयार हो रही हूँ एंड देखते हैं कैसे क्या रहता है अपना आज का ये रोड ट्रिप। बहुत ही मज़ा आने वाला है डेफिनेटली चंडीगढ़ से शिमला की तरफ। हे गाइस, तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मेरे हाथ में मनसा देवी मंदिर से मिला हुआ लड्डू, तो नाश्ते में क्या बात है, मज़ा ही आ गया है चाय की सिप के साथ। सो मिलते हैं ऑन रोड टू शिमला। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन रहने वाला है चंडीगढ़ से कसौली। मनसा देवी मंदिर के बाद हम निकले शिमला की तरफ यानी कि कसौली। तो गाइस, पेट्रोल भरवा लिया हमने और अभी चल रहे हैं शिमला की तरफ। शिमला जाते हुए रास्ता काफी लंबा लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं बीच बीच में और काफी हरियाली है। ओके गाइस, तो फिलहाल शिमला जाते हुए रास्ते में एक स्टॉपेज आया, वहां पर रुके हम। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं कि पहाड़ों पर चढ़ने से पहले हल्का फुल्का खाएं, ये आपको हेल्प करेगा। और दूसरा जो है, अभी पीछे आपको ये रोड नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ से पहाड़ों के ऊपर से, और ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी। और अपने साथ में कुछ टॉफीज़ वगैरह रखें ताकि आपका मन वगैरह ख़राब हो ना, तो यू नो इट विल हेल्प यू आउट। ओके, तो बढ़ते हैं आगे परमाणु से आगे। सो गाइस, फिलहाल कसौली की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग राइड लग रही है और पहाड़ों का मजा ही अलग है, साथ में जो पेड़ है और जो कंजेस्टेड सा एरिया ना। तो बीच में ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, वो है कसौली, जहाँ पर आपको जरूर रुकना चाहिए। हम रुके यहाँ पर होटल शिवालिक। होटल शिवालिक पहुँच चुके हैं, आइए अंदर चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करेंगे थोड़ा। यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफी अच्छा लगता है। वहाँ पर आई हूँ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर नाश्ते में हल्का फुल्का है, सैंडविच, पोहा एंड कर्ड। और अभी जाएंगे कसौली के हनुमान मंदिर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर अगला पड़ाव होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। एंड कसौली की, शिमला की नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लीजिए। बाय बाय। तो फिलहाल शिवालिक से निकलते हुए और अभी चलेंगे कसौली हनुमान मंदिर। गेट सेट गो बेबी। कसौली में अगर आप एक दिन और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, यहाँ पर आप मंकी पॉइंट देख सकते हैं। और साथ यहाँ पर मंकी पॉइंट उसको बोला जाता है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और इसके अलावा आप माल रोड यहाँ पर घूम सकते हैं और इसकी वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। वैसे हमें जाना था शिमला, तो हम चल पड़े वादियों का मजा लेने के लिए। समर सीजन में वैसे स्नोफॉल नहीं होता है शिमला में, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। तो अगली हमारी वीडियो होने वाली है जिसमें हम शिमला का पूरा टूर आपको कवर करके दिखाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।